खाना पीना तो दूर की बात है, यहाँ तक कि मोर दोस्त यार मन बोली से डॉक्टर भी सलाह दी से तो भी मैं अन्न भी ग्रहण नहीं करता हूँ। ये हमारा आज आर पार की लड़ाई है, तो हम 20,000 का कर सकते हैं ये सरकार भी जानते। ओपी चौधरी सेवा नहीं, वो तो पूरा राज कर रहे थे, बता राजनीति कैसे करी, मैं सिखा दूं, बोला बुलाए मिला तो सही, इतना डरे हुए हम उनके पास ही नहीं आवे, मैं वही मैं इस्तीफा दे हूँ अपन टीचर के। नहीं, मैं बोला था चुनाव उनाव लड़े तो प्लान नहीं। अरे बिल्कुल सर, मैं अपन बिल्कुल राजनीति में जा सकता हूँ अगर ऐसी हालत रही तो, आज हमन चला दे वो राज्य ऐसे भी दम रखते हैं। सीधा जो शिक्षा मंत्री बने बैठे है CM विष्णु देसाई, हाँ बोला खुद आए लगी भाई। अरे भैया ते मरवे ना तो कहाँ जाबे तेलू पता नहीं है, जो वादा करे तभी तुरंत पूरा करे, तब मानू मैं ओपी चौधरी ला। अरे मोदी के नाक लत मत कटावा कि तुम्हें का। छत्तीसगढ़ की राजधानी में DEd BEd संघ के जो युवा हैं अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, पिछले कई घंटों से सड़क पर बैठे हैं, CM निवास घिराव करने आए थे, इन लोगों से बातचीत करते हैं। भैया माला वाला पहना है, कहाँ है पहना है माला वाला? सर ये मेरा लगातार अनशन में बैठने का जो सम्मान मिला है मुझे, यही इसलिए माला पहना हूँ सर। ऐसा लगातार आप भूख हड़ताल वगैरह कर रहे थे इस कारण से? छत्तीसगढ़ी गोठियावन सर आपन रहने लगता। हाँ तो भैया की छत्तीसगढ़ी गोठियाना चाहिए, मैं छत्तीसगढ़ी गोठियाऊँ। ये बता कत्ता दिन ले भूख हड़ताल करे थे? सर मैं 23 तारीख से अभी तक लगातार अनशन में बैठे हूँ, खाना पीना तो दूर की बात है, यहाँ तक कि मोर दोस्त यार मन बोली से डॉक्टर भी सलाह दी से तो भी मैं अन्न भी ग्रहण नहीं करता हूँ। वो तो पता नहीं कि मोर जो हालत रही सोई हुई मन जानी, अभी तक पूरा भूख हड़ताल मैं बैठे हूँ सर। 3 बजे से तुम सड़क में बैठे हो और 3 बजे से अभी लगभग शाम हो गए, कुछ टाइम बाद ये रात होल ढल ली, संजय ढल जी, कब तक बैठे के प्लान है इतने सर? जब तक हमला लिखित में नोटिफिकेशन प्लस कैलेंडर जारी नहीं करी हमारे शिक्षक भर्ती 33,000 के, तब तक हम यहाँ ले नहीं उठन। ये हमारा आज आर पार की लड़ाई है और सरकार भी जाना थे, तबे वह कालीचे वह आदेश निकाल दिस यह करबो करके, मेंटेनेंस करबो करके, अतका दिन ले 2 साल ले मल्ला नहीं दिखी छे हैं, इतना कितना हमारे अनुकंपा वाली दीदी मन इतना तकलीफ पाली से। मैं तो अनुकंपा मन के जो समस्या है बोला शुरू से कवरेज कराता हूँ, जब तक जब से उन बूढ़ा तालाब में बैठा रही ना तब से वो मल्ला कवरेज कराता हूँ अनुकंपा वाला मल्ला में। अब तीन देखना सर, कल आदेश आए से तो बनवाना चाहिए ना कौन वाइस मिस्त्री, वो सब सर हमला ना तीतर बितर करे बर ही करे रही से, एकरे नाम से हमारे जो साथी आने वाला रही से पुलिस के नाम से थोड़ा डरी से ओकर वजह से नहीं आई छे, लेकिन ये एक से भी चबल जनसंख्या रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, 1 आदमी 1,000 के बराबर, यानी कि यहाँ पर कम से कम तो 2,000 होंगे ही, तो हम लोग 20,000 के बराबर हैं सर, तो हम 20,000 का कर सकते हैं ये सरकार भी जानते हैं। और जब तक वो नहीं आई तब तक तो हम बैठे रही, वो हमारे काम अच्छे ऐसे भी हो तो हम उनकी नौकरी छोड़वा रहे, प्राइवेट नौकरी करा दे रहे, बढ़िया 10-15 हज़ार मिला तरी से, विधानसभा वाला चुनाव में इतना लालच दिवा दी हम 53-57 हज़ार शिक्षक भर्ती की नौकरी शिक्षक भर्ती करबो करके, 57,000 कुछ भी 57,000 और यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में देखा तो सर 78,000 शिक्षक की कमी है, ले बता और उम्मीद कितने हमने ही बनाया हमने ही संवारेंगे करके, अब बता आप ही मैं देखा सर, चल ठीक है हम तो पढ़े लिखे हैं शिक्षक बनने वाले हैं, बच्चे मन तो अभी वोकर में वो समझ भी नहीं कि वो मतलब सड़क में बैठे लगत, बताओ वो बच्चे मन के काम मन सीखते हैं, उनके पास टीचर ही नहीं है, बताओ वो मन भी अपन भविष्य के लिए इतना जागरूक है सर कि सड़क में बैठे लागत है, बताओ अब बता हमन लड़का मतलब पढ़ाबो तो का शिक्षा देवो, बताओ कि ये दही मन नेता है एक तो झूठ झूठ बोल के हमारे जगह वोट मांगे है, तो का एक मन के गुणगान करेंगे हमन? ओपी चौधरी जेना IAS के अपन पद ला छोड़ करके नेतागिरी में है सेवा करूं करके, सेवा नहीं वो तो पूरा राज कर रहे थे, बता मैं बता दो राजनीति करे हम आ थे, लेकिन हम राजनीति करना नहीं चाहें, काबर कि हमारा लक्ष्य टीचर बनना है, राजनीति कैसे करी मैं सिखा दूं, बोला बुलाए मिला तो सही, इतना डरे हुए हम उनके पास ही नहीं आवे। ओपी चौधरी कहीं भी रह ले कहीं भी मीटिंग में जाते अगर बोला पता चल गया कि यहाँ DEd BEd के अभ्यर्थी मनाही करके वो आवेश नहीं करे पुलिस मल्ला लगवा देते, वही रायगढ़ वाला जो न्यूज़ वाला हमारे मैडम वाला पूरा वो व्यक्तिगत रूप से वो कर दीजिए एकदम डरा दीजिए मैडम हाँ बहुत डर गए, तो ऐसे कहाँ डराना भाई, तोर पास सत्ता पा गया जेकर मतलब एकदम बड़े आदमी नहीं हो गए है ना, हम तो जनता हैं, सबके दिन आते सबके समय बदलते, एक दिन हम चुनाव लड़बो तब हम बताएंगे, हम तो सच्चा है भाई, मैं अभी भी कह रहा हूँ सर यदि मैं बेस्ट टीचर नहीं बन पाया तो मैं नौकरी भी लग जी ना सरकारी, अगर कहीं से आगे कि ये सर सुनील सर तो अच्छा पढ़ावे नहीं, मैं वही मैं इस्तीफा दे हूँ अपन टीचर के,
कायमन अभी सही काम नहीं कर रहा था, अपन इस्तीफा दे सकते का मैं पूछना चाहता हूँ। अभी तो देख ले सर, 60-65 साल होने वाला है, कोई भी काम लोग ढंग से करे नहीं है, मात्र वो महिला वंदन वाला छोड़ के वंदन, हाँ मातारी वंदन वाला ला। हमार मामन भी कहा थे मातारी मना, हमार मध्य होता था 1000 रुपया, लेकिन नौकरी निकाला रोजगार भर तो कुछ कहीं निकाला करके, यहाँ तक की भी बोल रहे हैं मातारी मना। अब कैसे जागृत करें सरकार ला, एक तो सरकार से मिले जावे तो वहाँ के जो रीते अधिकारी मन बैठे रहते नहीं है, कहीं दौरम गए कि दिले लेकिन अंदर में घुस रहे थे। अब बता हमरे मन के प्रतिनिधि हमरे मन से नहीं मिलना चाहत भाई, तो ऐसे का प्रतिनिधि है बताओ ना, ओलत साले पदे छोड़ देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए, जब तक योग्य ही नहीं है। आज मैं खुद अभी सब साथी मन के मैं आश्वासन कर रहा हूँ, अगर मैं कहीं अच्छा टीचर नहीं बन पाया हूँ तो मैं वही मिलने पर सरकारी नौकरी में इस्तीफा दे दूँ, अगर मैं योग्य नहीं होता ये मैं क्या बोलते वाला वादा कर रहा हूँ। एक बात मैं अपन कुछ भी धंधा पानी करूँ, मैं बोला था चुनाव उनाव लड़े तो प्लान नहीं। अरे बिल्कुल सर, मैं अपन राज्य ला अपन गांव के विकास पर और खासकर मोर बच्चा मन के विकास पर बिल्कुल राजनीति में जा सकता हूँ, अगर ऐसी हालत रही तो। मैं वो पी चौधरी ऐसा नहीं करूँ, अगर मैं यहाँ कहीं अगर विधानसभा में अगर प्रतिनिधि बन गया और कहीं मैं चुनाव भी जीत गया, अगर मैं कोई भी पार्टी रहा, अगर मोर पार्टी खिलाफ जाए ना तो मैं वही मेरे इस्तीफा भी दे सकता हूँ। ये आज मैं बोला था, मैं ओकर मन से झूठा वादा नहीं करूँ। हाँ। जितना नेता है चुनाव से पहले सब पार्टी बड़े बड़े दावा करते हैं, ठीक है, कांग्रेस भी कर रही इसे बड़े बड़े दावा, 5 साल में कई दावा पूरा हुई कई दावा नहीं हुई, बीजेपी भी बड़े बड़े दावा करे और मन बीजेपी का आते कि अमन कई दावा ला पूरा कर चुके ना भी, ठीक है, लेकिन सब दावा पूरा नहीं कर सकन की थे ना नेता मन। अरे सर तो वादा काबर करते बोला बता ना, जब ते वादा ही नहीं कर सके तो ते काबर वोट मांगते भाई। अरे भैया तो रो उम्र होवा थे हमरो मन की उम्र हुआ थे, जनता मन लबरा की थे का नेता लगा। वही तो बता दो, अरे भैया 50-60 साल हो गए ना यार राजनीति में, ते आराम करना यार, हमल मौका दे। अरे हमन तो हन एक व्यक्ति, हमन राज्य चला बार जानथन, वो तो हमन टीचर बनबो करके कहीं एकदम वो सब राजनीति वाले चक्कर में नहीं जान, फिर अगर हर यूँ अगर खड़ा हो जी ना तो सरकार हिल जी, आज हमन चला दे वो राज्य ऐसे भी दम रखथन। लेकिन अब क्या करना है काबर की देख, पिछले बार जब तो हमन के 21,000 लोगन की भीड़ रही थे, 21,000 लोगन के, तब एक जन नेता आ रही से कोई तुम्हारे बीजेपी के ही, ठीक है, अब वो आश्वासन दी से तो तुम सब जन वो आश्वासन में लौट गया, ये बार का कर आश्वासन मानने वाला हो? हमन काकरो आश्वासन फसवासन नहीं मानना है, सीधा जो शिक्षा मंत्री बने बैठे CM विष्णु देसाई ही है अभी तो, हाँ वो खुद आए लगी भाई, हमन नौकर थोड़ी हैं भाई, अगर जाबो हम नौकर तीन वो हमारे प्रतिनिधि है, हमार ओर से वो जीते है तो हम ओकर नौकर है कि वो हमार नौकर है, हमार मन के पैसा से ओकर मन के सैलरी बनाते, चल ठीक है मैं कहता हूँ ओकर भी सरकारी नौकरी लगे मतलब नेता बन गया था, 2-3 लाख ओकर सैलरी है प्लस सब प्रकार की सुविधा है हर चीज़ के, मैं की था ते मोरे प्रतिनिधि है तो मिलाज का बन नहीं जी, जनता की सेवा खाली कहे मात्र के बात होते भाई, ठीक है, जनता की सेवा खाली पिक्चर में जैसे दिखाते ना वैसने वाला जनता सेवक होते, तो मैं कहता हूँ कितने राम भगवान के काबर थे, हाँ नाम लेके हम उनसे वोट मांगे हज, अरे भैया ते मरवे ना तो कहाँ जाबे ते पता नहीं है, एला तो डर तो हूँ सियान हो बे है ना, तो अब मैं कहा बोला सब पता ही नहीं, इतना दिल दुखा देना कि कहा बताऊँ, मैं खुद गारंटी मैं लिखित मैं स्टाम्प पेपर में लिख दूँ, अगर मैं गवर्नमेंट टीचर बन गए ना गवर्नमेंट टीचर बन गए हूँ मैं खुद कहा था सर, अगर मैं अच्छा टीचर अगर शिकायत आ गए मैं तुरंत इस्तीफा पर दे बर तैयार हूँ, लेकिन ये मन अभी आके बोला है ना कि अगर हमारा अच्छा काम नहीं करें तो अभी तुरंत इस्तीफा दे देता हूँ करके, या तो अभी अगर मैं दम है जो वादा करे तो अभी तुरंत पूरा करें तब मानूं मैं, हाँ ओपी चौधरी ला CM विष्णु देसाई ला, अरे मोदी के नाक लत मत कटावा कितना मैं का, मोदी जी अपन काम कर रहे थे 20 साल देखे नहीं लगा हमारे भारत देश इतना काम करे, मतलब तो मोदी के ऊपर विश्वास है लेकिन छत्तीसगढ़ के नेता मन पर बिल्कुल विश्वास नहीं, बता दू मैं तो चाहता हूँ मोदी जी ने यहाँ बुलावा कितना मैं ओकर जगह गुठियाबो सारे ला, सही कहा जी, हाँ सही कहा सर, मोदी जी बुलाया जाए, एक तो हमन 2 तारीख के पिंड दान कर दें, देख ले मुंडा भी हो गए, हाँ मोर बाल भी पके शुरू हो गए, शादी होने वाले अगले साल, बेरोजगार ला कौन लड़की दी सर बता ना, ऐसे ऐसे बात है सर, तो हमन ज्यादा उग्र नहीं हुआ काबर हमन भावी शिक्षक हन, तो साय सरकार से ही बारम्बार निवेदन है, वो हमार युवा जो हमार आइडियल है श्रीमान ओम प्रकाश चौधरी जी ला बारम्बार निवेदन करता हूँ, आइकॉन हाँ यूथ आइकॉन ला तहूँ त
तहूँ वो चीज से गुजरे सर जी, तो हमार मांगला पूरा कर दो। हमन तो 57,000 भर्ती की मांगे नहीं करे थन, बोला तो तुरंत करना चाहिए। तो बस 33,000 शिक्षक भर्ती की नोटिफिकेशन के साथ प्लस परीक्षा के डेट ओकर कब रिजल्ट आई सब चीज ला हम के हाथ ला आज रातों रात दे तब हम के ये धरना प्रदर्शन ला हम बंद करबो। और कोई मंत्री मत भेजे, वो स्वयं आवे ओपी चौधरी या सीएम विष्णु देसाई, काबर वो शिक्षा मंत्री भाई है ना, हमन और दूसरा मंत्री नहीं बोला। काबर विजय शर्मा जगह गए हैं 22 तारीख के, वो भी मिला हूँ बोल दी, वो भी झूठा हो गए। अब बता कागर पर विश्वास करन भाई, ना तो तुमन मिले लावा था ना ना तुमन हम से मिले लावा था। अब ये दे कहीं उग्र प्रदर्शन करबो तो ओकरो पर पुलिस ला लगा, पुलिस मन के काय गलती बताओ, बेचारा माला सुने लगते। मैं तो संविधान में ये चेंज करे लगी, जब वह वोट मांगे पर हमारे घर में आ सकते तो वो मन अप हम ये दे हम आंदोलन था तो वो मन आना चाहिए ना, पुलिस में लगा और भेजते। सब कोई विजय शर्मा थोड़ा मंजी जी, विजय शर्मा बैठ जाते भले ऐसा। अरे सर मिले कुछ नहीं हुआ, पूरा करना चाहिए ना, ऐसा ही वाला मतलब के दिन के वादा करे, ओकर घर में जाग बैठे बता। दो साल हो गया ओकर आंदोलन हाँ, तो मैं यही बारम्बार निवेदन करता हूँ, ऐसे कुछ मांग रही है कि वो मन पूरा नहीं कर सके। हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत बजट है, और मैं ये भी कहा था अरे यार मोहर राजनीति करे लाते ठीक है, ते हर चीज के मांगला पूरा नहीं कर सका। अगर जेकर 20,000 सैलरी है आधा दे सकते, 15,000 चार महीना ले तबल मान जी, लेकिन ते आग तुम ही हमन से बात तो कर। पता नहीं सर, अब बताइए आप भी, मैं यही बारंबार निवेदन करता हूँ कि हाँ मांगला पूरा पूरा जल्दी कराओ। हम वाला इसने परेशानी झेले, मजा नहीं आ सर, मोला खुद 26 दिन हो गए अनशन में बैठे हुए, या तो मोला अर्थी उठी या तो मोला हाथ में नोटिफिकेशन चाहिए सर बस। ये युवा के दर्द है छत्तीसगढ़ के, सरकार बने लगभग 9 महीना कंप्लीट हो गए हैं, सरकार जो दावा करी रही है जो वादा करी रही है वो पूरा नहीं हुए, और यही वजह से मतलब आंदोलन करेल पड़ा थे, मतलब धरना में बैठे पड़ा थे, सड़क में बैठे पड़ा थे। अब का पता है मन कत्ता बजे तक बैठने वाला है, और सरकार के कौन अधिकारी आते कर उनकी बात सुने पर, और कब ये मन हाँ उठने वाला है, एक हर एक अपडेट दूँ। लेकिन जब तक ये मन प्रदर्शन करी, जब तक एक मन की मांग पूरा नहीं हुई, तब तक मैं हाँ जो युवा है एक मन की आवाज़ मतलब आप मन तक पहुँचा के प्रयास करता रहूँ।